शहर के सराफा व्यापारियों को ठगने वाला महाठग आशुतोष महाजन तहसील पुलिस के गिरफ्त में है। इस महाठग ने अलग अलग नामों से सराफा व्यापारियों को ठगा है। पुलिस ने रमना मारुति नंदनवन लेआउट से महालक्ष्मी अपार्टमेंट से इसे हिरासत में लेकर ठगी का सोना कुल मिलाकर 8,53,414 रुपयों का सोना जब्त किया है। आगे की जांच तहसील पुलिस कर रही है। बीते कई दिनों से शहर में कई सराफा व्यापारियों को ठगने वाला आशुतोष अशोक महाजन को पुलिस ने धर दबोचा। महाठग आशुतोष महाजन अलग अलग नामों से करोड़ों रुपयों की ठगी की है। कुछ ही दिनों पहले तहसील पुलिस थाना अंतर्गत सराफा लाइन में उत्तम गुलाब चंद कश्यप इनकी दुकान से 78,414 रुपयों का मद्यबाल खरीदी कर चेक दिया। चेक पर फर्जी साइन पाई गई, जिसके बाद फिरियादी उत्तम इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने खोज शुरू की। पुलिस द्वारा वनी में जाकर भी ठग को खोजा गया, लेकिन ठग वहां भी नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने नंदनवन लेआउट स्थित महालक्ष्मी अपार्टमेंट से आशुतोष अशोक महाजन को धर दबोचा। एक महाठग है आशुतोष अशोक महाजन, ये तहसील पुलिस के अरेस्ट में आया है। इसने नागपुर शहर में बहुत से सराफा व्यवसायी को ठगबाजी किया है और अलग अलग नाम लेके, अलग अलग एड्रेस देके, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी प्राध्यापक बोल के इन्होंने सराफे व्यवसायी को करोड़ों रुपए का ठगबाजी किया है। विगत कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन तहसील अंतर्गत सराफा लाइन है, वहाँ के व्यापारी उत्तम गुलाबचंद कश्यप इन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज किया कि दो दिन पहले उनके यहाँ डॉक्टर आशुतोष अशोक महाजन आए थे, जिन्होंने अपना पता महाल नागपुर बताया था और ये बोला कि मैं आपका ओल्ड कस्टमर हूँ, पुराना कस्टमर हूँ, मेरे को सोने के सिक्के चाहिए 15 ग्राम के और अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो आप चेक ले लीजिए। उनके बोलने पे विश्वास रख के उत्तम गुलाबचंद कश्यप इन्होंने उनको 15 ग्राम का सिक्का, जिसकी कीमत 78,414 रुपये होती, दी। उसके बदले में इन्होंने उनको चेक दिया। जब अगले दिन वो बैंक में चेक जमा किए तो पता चला कि भाई ये चेक तो डुप्लीकेट है, बनावट है। तब उनको मालूम हुआ कि अपनी ठगी हुई है। पुलिस स्टेशन में उनके रिपोर्ट से गुना दर्ज हुआ और जो एड्रेस उसने दिया था महल का, वहाँ हमारा जो तपास पथक था PSI, वहाँ हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सेंडे वहाँ गए। उनको मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति का कोई व्यक्ति वहाँ रहता नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि ये यवतमाल जिले के वनी रहने वाला है, वनी भी पथक गए, वो भी घर में नहीं था। कामठी इधर उधर उसका शोध लिए, तब ये हमको रमना मारुति मंदिर नंदनवन लेआउट यहाँ पे महालक्ष्मी अपार्टमेंट में मिला। उसको ताबे में लिए, उसके घर में कुछ संशयास्पद सिक्के वगैरह जब्त किए, कुछ संशयास्पद भोगत चेक जब्त किए और पूछताछ की, तब उन्होंने गुंडा कबूल किया और जो सोना उसने ठगबाजी करके लिया था वो सोना उन्होंने 15 ग्राम का सिक्का 78,414 रुपये वापस किया। पुलिस स्टेशन तहसील के अलावा पुलिस स्टेशन अजनी में इसके खिलाफ अपराध नंबर 390/20 कलम 420/400 का दर्ज है, जहाँ उसने 127 ग्राम सोना 6,35,000 का ठगबाजी करके लिया था, वो भी हमने जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन कोतवाली में इसके खिलाफ अपराध नंबर 189/20 कलम 420/410 है, उसमें करीब उसने 20 ग्राम सोना 1,00,000 का ठगबाजी करके लिया था, वो भी सोना 1,00,000 का हमने जब्त किया है। अभी तक इसके पास से 8,53,414 रुपये का सोना जब्त किया है। शहर में अन्य व्यापारी को इसने ठगबाजी किया है, उस पैसे से इसने एक 8,00,000 की होंडा गाड़ी लिया, एक 40,000 की मोटरसाइकिल लिया है, वो भी हमने जब्त किया है। अभी तक तहसील पुलिस ने 16,53,414 रुपये का सोना और इतर मुद्देमाल जब्त किया है। बहुत से तकरारी कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। शहर के अन्य अन्य इलाके में इन्होंने ज्वेलर्स लोगों को ठगबाजी करके उनसे सोना हस्तगत किया है। कई मामले अभी और इसमें दर्ज होंगे, फिलहाल हमारा तपास चालू है। इसके साथ हमको ये बात भी मालूम पड़ा कि ये 2 साल से वनी से फरार है, जहाँ उसके ऊपर कलम 370 IPC का गुना दर्ज है, उसमें 2 साल से फरार है। वहाँ के पुलिस निरीक्षक का फोन आया था। हमारा तपास होने के बाद ये आरोपी को उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। पुलिस ने आशुतोष के पास से 16,53,414 रुपयों का कुल मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में आगे की जांच तहसील पुलिस कर रही है, जिसके बाद आशुतोष को वनी पुलिस को सौंपा जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।